स्वागत है दोस्तों सुइस वेब के अगले सैगमेंट में थोड़ा मैं स्वागत करदा। 1 अगस्त 2024 सत्त जजा के बेंच ने वड्डी अदालत सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला साडे सामने आउंदा जिहदे विच उन्होंने कहा कि SC ST दी विच क्रीमी लेयर होना चाहिए, यह गल उन्होंने आखी है। नाल ही नवें फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सूबा सरकारां कोल इह अधिकार है कि वह SC ते ST वर्ग नूं दी वर्ग वंड कर सकदे आ, मतलब उस वर्ग में उप वर्ग हो सकते हैं, उन्हां कोल अधिकार आ राज्यां दे कोल। पहला जिहड़ा सिर्फ अधिकार केंद्र कोल हुंदा सीगा। आपां नूं पता कि जिहड़ा पछड़ा वर्ग आ पछड़े वर्ग दे विच क्रीमी लेयर दी धारणा हैगी है, लेकिन SC ST विच नहीं सीगी। हालांकि एक इहदे ते वी लगातार चर्चा होंदी सी वी होनी चाहीदी है। सो इस फैसले तो बाद कई सारे पक्ष साडे सामने आ रहे ने, वाद विवाद है इहनूं लै के। 21 तरीक नूं भारत बंद रहा है, कुछ इहदे फैसले दे पक्ष विच ने, एक पासा जिहड़ा हैगा इहदे विरोध विच है, बल्कि SC ST भाईचारे विच भी इस मामले विच इक राय नहीं हैगी। सो ये तमाम मसले की गहराई नूं समझण लई असीं गलबात करांगे भारत के नामवर चिंतक, मीडिया विश्लेषक, दलित मसलों बारे लगातार लिखण वाले श्री अनिल चमड़िया जी का स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। शुक्रिया आपका। सर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कल भारत बंद था, तो बहुत सारे जो भारत के विद्वान हैं इन विषयों पे, इस विषय पे लिखते हैं पढ़ते हैं, तो मुझे उनकी टिप्पणी आ रही थी, तो हमारा दिल किया कि आपसे भी पूछा जाए कि आप ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हो। कल भारत बंद था तो काफी सारी टिप्पणियां तो आ चुकी है जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे देश में जो आरक्षण का जो प्रावधान है, आरक्षण की जो व्यवस्था है, इसके बारे में एक भ्रम फैलाया गया। क्या भ्रम फैलाया गया कि ये जाति आधारित आरक्षण है। संविधान में जो व्यवस्था थी वो आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए थी। पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मतलब हुआ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, यानी जो सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है उसके लिए। अब उसकी पहचान की गई और उसकी पहचान करने के बाद उसकी एक सूची बनाई गई कि हम इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करें, और वो एक सूची बन गई। ठीक उसी तरह से जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति वर्ग है। अनुसूचित जाति वर्ग क्यों कहते हैं, ये एक सरकारी सूची। अनुसूचित का मतलब हुआ नोटिफाइड, यानी कि जिसको हमने नोटिफाइड कर दिया। क्या किस आधार पे किया है? हमने इस आधार पे किया है क्योंकि भारतीय समाज जो व्यवस्था रही है उसमें लोगों को अछूत मान के उसके साथ व्यवहार करना, उनको अपने से दूर रखना, और उसके लिए एक लेयर्स बनाए हुए हैं। किसी के साथ हम बैठ सकते हैं, किसी के साथ हम उसकी परछाई भी नहीं देख सकते हैं, किसी को हम अपने दरवाजे से गुजरते नहीं देख सकते हैं, किसी को हम घोड़ी पे नहीं देखेंगे, तो ऐसे लोगों को आज की एक सूची बनाई गई जिसको अनुसूचित जाति वर्ग कहते हैं। अब ठीक उसी तरह से जो तीसरा सब वर्ग है वो है अनुसूचित जनजाति वर्ग, जिसको कि हम लोग आमतौर पे आदिवासी कहते हैं, जो कि वो हमारी जो आबादी रह रही है जिसको हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, यानी कि जो समाज में बहुत सारा हिस्सा ले चुकी है आपका, उससे बाहर वो रह रही है, जंगलों में रह रही है या फिर बहुत दूर दराज के इलाकों में रह रही है जहाँ की पहुंचना भी मुश्किल होता है, और वहाँ वो उन संसाधनों से अपना जीवन चलाती है जो संसाधन उसको प्राकृतिक रूप से मिले हुए हैं, नेचर से जो मिले हुए हैं उससे वो अपना काम चलाती है। तो एक तो की बात जो ये फैलाया गया है कि ये जाति आधारित आरक्षण है, ये सबसे ज्यादा भारत के समाज में मिसकम्युनिकेशन है, यानी मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक है, आप जिसको जिस तरह से परिभाषित करना चाहे कर। दूसरा सर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? जी प्लीज, सुप्रीम कोर्ट, हाँ आप बोले, आप सवाल नहीं करते मैं हैं। मुझे लगा आपकी बात तो खत्म होगी, प्लीज आप जारी रखिए जारी रखिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब ये कह रहा है कि आरक्षण जाति आधारित है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जातियों के बीच इसको बंटवारा कर दो। अरे ये व्याख्या ही गलत है, सुप्रीम कोर्ट की ये व्याख्या ही गलत है कि आप इसको जाति आधारित कर दो। ये क्यों हो रहा है इसको बस समझने की जरूरत है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत संवेदनशील होके इस बात को हम समझें।
इस देश में क्या चला है अभी तक? इस देश में चला है अभी तक जाति विरोधी आंदोलन, जिसको कि हम बाबा साहब के आंदोलन के रूप में देखते हैं, उससे पहले हम ज्योतिराव फूले के आंदोलन के रूप में, जाति विरोधी आंदोलन। और इसने एक चेतना विकसित की, इसने एक दिमाग लोगों का बनाया कि जाति खराब चीज है और जाति खत्म होनी चाहिए। तब आइए, जाति खत्म करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो उसमें एक प्रावधान ये आया कि हम जो नई जो व्यवस्था, नई राजनीतिक व्यवस्था बन रही है, उस व्यवस्था में जो लोग रूल करते हैं उनमें हम पार्टिसिपेशन, यानी कि उसमें हम भागीदारी उन वर्गों की दे जिनको अभी तक हमने इससे दूर रखा है। और वहां तक पहुंचने के लिए हमने कहा कि शिक्षा की व्यवस्था हम अच्छी करेंगे उनके लिए, और उनके लिए शिक्षा में भी हम इस तरह के विशेष अवसर का प्रावधान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जातिवाद को और बढ़ावा देगा, जाति को खत्म नहीं करेगा, ये जातिवाद को बढ़ावा देगा। यानी कि जाति विरोधी जो चेतना बनी हुई है, उस जाति विरोधी चेतना को जातिवाद में कन्वर्ट करने के ये पूरे प्रयास मंडल कमीशन से लेकर और अभी तक चल रहे हैं। मंडल कमीशन में जब आया तो यही तर्क दिया जाने लगा, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिलेयर का सिद्धांत ला दिया। क्रिमिलेयर ये आर्थिक कार्यक्रम है ही नहीं है, ये आर्थिक कार्यक्रम नहीं है कि आपकी आर्थिक रूप से उन्नति हो रही है कि नहीं, ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं उनके लिए। लेकिन आपने एक नई व्यवस्था कर दी, चूंकि आपको ये अधिकार है कि आप नई व्याख्या कर सकते हैं, तो आपने वो व्याख्या कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो उसी तरह की व्याख्या से निकला हुआ है, और ये धीरे धीरे समाज में जाति की भावना को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, ताकि ये जाति का जो वर्चस्व है वो टूटे नहीं, वो बरकरार है। तो एक तरह से ये सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला चल रहा है देश में, जातियों के बरक्स, यानी एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को खड़ा करना, वो पूरी व्यवस्था चल रही है। और वो व्यवस्था में ये सुप्रीम कोर्ट के जितने ऐसे फैसले आए हैं उसमें कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। इससे जाति खत्म नहीं हुई, जाति विरोधी जो चेतना है, जाति विरोधी चेतना को मारने का काम अभी सबसे ज्यादा किया जा रहा है, और उस पे हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। और ये जो आंदोलन हो रहे हैं वो दरअसल जाति विरोधी आंदोलन की कंटिन्यूटी में हो रहे हैं, ये जाति को बढ़ावा देने के लिए नहीं, जाति को खत्म करने के लिए आंदोलन के ये हिस्से हैं, इसको इस रूप में देखना चाहिए। जी दूसरा दूसरा सर, एक जो सवाल आ रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले में भी है, उसके बाद भी जो इसका कल वाले जो बंद का विरोध हुआ था उसके विपक्ष में जो फैसले आए हैं, विचार आए हैं, उनका कहना कि देखो भी, एक तो इसमें जैसे पंजाब में उदाहरण लेते हैं, जो चमड़े का काम करते हैं हम रमदासिया कहते हैं भी, वो कम्युनिटी तो देखो जी आगे निकल गई, वाल्मीकि पीछे निकल गए, या कल वाले बंद में भी वही जो हाशियाग्रस्त समाज है वो बटा हुआ नजर आया था, तो इस चीज को हम कैसे समझें? नहीं, देखिए, एक तो बात है कि हमारे समाज में जो सामाजिक आंदोलन होने चाहिए और जिस उसके लिए जो तौर तरीके या उसके लिए जो के उसके जो मानक तैयार करने चाहिए, उसकी जो लग रही है। अब जैसे मान लीजिए कि कांशीराम जी का जब आंदोलन हुआ, कि ये सारे सवाल, बहुत सारे सवाल जो आज हो रहे हैं वो सवाल उस समय नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि क्योंकि उनके आंदोलन में तमाम ऐसे वर्गों की के प्रतिनिधि की भागीदारी दिख रही थी। अब सवाल यह है कि अगर पूरी सरकार की व्यवस्था और पूरी आइडियोलॉजी इस बात में लगी हुई हो कि हमको जाति की भावना को बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है कि एक आदमी आगे जाएगा और दूसरा जब पीछे रहेगा तो वो सवाल खड़े करेगा, ये उसी का परिणाम है। लेकिन ये आंदोलन और सरकार की विचारधारा, इसको अलग अलग करके देखा जाना चाहिए। आंदोलन की विचारधारा में कहीं बंटवारा नहीं है, आंदोलन जो है बाबा साहब का जो आंदोलन था उसकी जो कंटिन्यूटी है उसमें बंटवारा नहीं है। सरकार जो है, सत्ता जो है, उसके विचार में ये बंटवारा है कि जब तक ये बटेंगे नहीं तब तक जो अल्पसंख्यक हैं यानी छोटी संख्या में जो लोग हैं उनका वर्चस्व नहीं बना रहे। तो इसमें ये प्रॉब्लम सामाजिक आंदोलन की नहीं,
सामाजिक आंदोलन की विचारधारा की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम सरकार की है, सरकार प्ले करती है उसके साथ। तो हमको सरकार की विचारधारा और सामाजिक आंदोलन की जो विचारधारा है उसको अलग अलग करके इस पूरे मामले को देखना चाहिए। सत्ता तो दूसरा हमेशा चाहेगी। आप देखिए कि जो भी जाती है, जो भी पार्टी जाती है सत्ता में, वो बंटवारे की बात करने लगती है। क्यों करने लगती है? आप जब चुनाव में होते हैं तो एकता की बात करते हैं, जैसे ही सरकार में आप पहुंचते हैं आप बंटवारे की बात सोचने लगते हैं। क्यों सोचने लगते? इसलिए कि सरकार की विचारधारा को आप एडॉप्ट कर लेते हैं, और सरकार की विचारधारा को जैसे ही आप एडॉप्ट कर लेंगे तो जो सामाजिक आंदोलन है उसको क्षति होगी, उसको नुकसान होगा, वो कमजोर करने की कोशिश होगी। आपको सर क्या लगता है कि जैसे जो एक ये विचार है कि उसमें जो रिजर्वेशन है SC ST में, उसमें एक खास समुदाय ही रैत लेता रहा है और बहुत सारों को नहीं मिली। मान लो कि इस विचार को हम मान भी लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो क्या कारण रहा कि इतने सारे जो लोग कह रहे हैं कि हमारे वर्ग को प्राथमिकता नहीं मिली, लेकिन उसमें कुछ दम तो शायद हो गई। तो यदि ऐसी बात है तो उसमें क्या कारण है? दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि मान लो कि जो रिजर्व नहीं, सीट है। इसमें इसमें दम नहीं इसलिए है। जी 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 प्लीज जी सर। हाँ जी सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए अपनी मैं बात। ये कह रहा था कि देखिए इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। क्यों नहीं दम है? आप तो ये बात तब करेंगे जब आप पूरा शेयर हमें दे दें। अभी तो आपने पूरा शेयर दिया नहीं, छोटा सा हिस्सा मिला है, और छोटे से हिस्से में ही आप कह रहे हैं कि बंटवारा जो है वो ठीक से नहीं हो रहा है, वो बैलेंस नहीं है। अरे भाई, तो आप पूरा शेयर तो दे, फिर तो उसकी स्क्रूटनी करेंगे आप। प्रोफेसर के पोस्ट पे पूरे देश में देख लीजिए कि कितने पोस्ट पर SC कम्युनिटी के लोग, ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं। भारत सरकार के सेक्रेटरी के लेवल पे देख लीजिए कि कितने SC हैं, कितने ST हैं, कितने OBC हैं। नहीं मिलेंगे आपको। तो आपने तो अभी पूरा शेयर दिया ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि छोटा सा शेयर जो मिला है उसी शेयर को लेके तुम लोग लड़ाई लड़ो। मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए एक जगह इंटरव्यू हो रहा है 10 पोस्ट के लिए। अब 10 पोस्ट के लिए जब इंटरव्यू हो रहा है तो आप वहां क्या पाएंगे कि किस किस जाति के, जिनकी पहचान हमने अछूत के रूप में, अछूत की जिनकी अछूतों को जिस जाति के रूप में पहचान की है, या फिर आदिवासियों को हमने अनुसूचित जाति के रूप में पहचान की है, उनमें से कौन कौन समूह के लोग इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां से बात शुरू होनी चाहिए। और वो नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे हैं, ये डाटा हमारे पास आ जाए तो ये डाटा आपको मुश्किल हो जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, नॉन फाउंड सुटेबल, आप ये योग्य नहीं है SC कैटेगरी में, इसका अगर आंकड़ा आप रखेंगे तब आप सवाल शेयर का ये नहीं कर पाएंगे। ये जो सवाल आज लोग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नॉन फाउंड सुटेबल जो आप कर रहे हैं वो किसका हक मार रहे हैं? क्या आप उसमें उसका हक नहीं है जिनको कि आज आप खड़ा कर रहे हैं इस विरोध के लिए कि नहीं साहब बंटवारा तो होना ही चाहिए? तो मेरा कहना है कि ये सवाल बहुत उलझे हुए हैं और ये जानबूझ के उलझा दिया गया है। और ये कुछ पॉपुलर किस्म की जो बातें हैं, लोकप्रिय, जिसमें लोकप्रिय होने के जिसमें कि एलिमेंट्स है, तत्व है जो कि लोकप्रिय हो सकते हैं, उस तरह की बातों को ज्यादा उछाला जाता कि साहब देखिए तो वह बहुत आगे बढ़। हम ये पूरा शेयर आपने दिया है क्या? पूरा शेयर आप दे तब बताएं कि हाँ इसमें ये आगे नहीं। आप अगर 3, 27 में 3% दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि शेयर उनको ज्यादा मिल गया, आप ये कैसे कह सकते हैं? आपके पास डाटा क्या है? 3% जिन लोगों को दिया उसमें कितने लोगों को आपने छांटा है, आप इसकी भी तहकीकात करें। तो ये जो डाटा का जर्नलिज्म जो है, डाटा की पत्रकारिता जो है, वो बहुत सतर्क होके उसको सुनने और समझने की जरूरत होती है। लोग जो है वो एक डाटा आया, अब इस डाटे के सामने भी कोई डाटा है इसमें बात ही नहीं करते हैं। बस एक डाटा आ गया, उस डाटे के आधार पर उसको बात करने लगते हैं, उस वर्चस्व में बात करने लगते हैं। ये बात फैला दी गई कि पिछड़ों में सबसे ज्यादा यादवों को मिला। अब भाई यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है, इस बात को हम क्यों भूल रहे हैं? तो वो छोटे से शेयर में वो दिखेगा। जाटों को ज्यादा मिला, जाटो इसलिए कि ऑल इंडिया में वो कास्ट से सबसे ज्यादा है, तो वो थोड़े से शेयर में दिखेगा। तो
मैं ये कह रहा हूं कि जो छांटने की जो प्रक्रिया है आरक्षण देने की, पूरे सिस्टम में कि लोगों को छांटा जाए, वो क्या है उसको समझने की जरूरत। तो मैं ये कहता हूं कि ये हाँ लिए मेरे ख्याल जरूरी है जी कि जाति जनगणना हो। तो क्या आपको लगता है कि एक तो जातिगत जनगणना, क्योंकि 2011 के बाद हुई नहीं, जनगणना ही नहीं हुई, मतलब एक तो जाति जनगणना होने की संभावना, अब जो सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला है तो जो राज्यों को कहा गया है कि वो आप उपवर्ग बना सकते हो, तो जाति जनगणना अब राज्यों के अधिकार क्षेत्र में होगा या सेंटर के होगा, इसके बारे में आगे हम कैसे सोचें? नहीं, देखिए जैसे बिहार सरकार ने सेंसस नहीं कराया, सर्वे कराया। देखिए शिवेंद्र, एक बात समझने की जरूरत है। अभी सबसे ज्यादा शब्दों से खेला जा रहा है हमारे भारतीय समाज में, चूंकि शब्दों के प्रति बहुत चेतना नहीं है कि एक शब्द हम क्यों बरत रहे अपनी हैं। पॉलिटिक्स होती है हाँ, उसकी कॉन्टेक्स्ट होती है। एक लोगों को जो विशेषण लगाते हैं, यानी जैसे वो महान है, वो ईमानदार है। अरे ईमानदार होने का मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत अच्छे आदमी भी हो गए। ये उनकी उनका उनका फैसला है कि वो किसी से पैसे नहीं लेंगे, बस ईमानदारी का तमगा लग गया। तो मेरा कहने का है, शब्दों के साथ समझने की जरूरत। सेंसस जब भी करवाएगी, केंद्र सरकार करवाएगी, ये उसको मैंडेट है। सेंसस राज्य सरकार नहीं करवाती। सर्वे करवा सकती है वो, राज्य सरकार करवा सकती है। अब वो सर्वे के भी जो तौर तरीके हैं, सर्वे किस तरह के हो सकते हैं, इसके भी स्पष्ट एक तरह से वो व्यवस्था की हुई है। तो वो जो डाटा की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि आप डाटा इस तरह से तैयार करें या बताएं, हमें कन्विंस करें कि भाई ये जाति आगे चली गई है और इस जाति के समानांतर जो दूसरी जाति है वो पीछे रह गई। इस तरह की डाटा तैयार करने की बात वो कर रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में देखिए जाति जातिगत गणना जो है करानी पड़ेगी। ये एक तरह से देश की राजनीति ने ये फैसला कर लिया। अब रूलिंग जो पार्टी है या रूलिंग जो आइडियोलॉजी है वो इस बात को अभी स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन उसको कराना पड़ेगा क्योंकि देश ने, पूरे देश ने एक तरह से ये फैसला कर लिया है कि आपको कराना ही पड़ेगा। ये आज हो या कल हो, उसपे आप देर कर सकते हैं लेकिन उससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं। ये मेरी स्पष्ट मान्यता है। तो जाति गणना तो आपको करानी करानी पड़ेगी। अगली जब भी जनगणना आप कराएंगे उसमें जाति का कॉलम आपको रखना पड़ेगा। दूसरा सर, एक इससे जुड़ी हुई टोटली ओवरऑल हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पे कैसे भाई ये बात रिफ्लेक्ट करेगी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। एक तरफ तो जैसे विपक्ष है, विपक्ष ने जाति जनगणना का मुद्दा, जाति जो हाशियाग्रस्त लोगों का मुद्दा, इस पर उठाता हुआ दिख रहा है, भले ही वो अपने उनकी अपनी महत्वाकांक्षा हो। इसमें बीजेपी जो एक समय जहाँ आरएसएस राष्ट्रीयकरण का रिजर्वेशन का विरोध करती थी, धीरे धीरे उसको भी अपने कई स्टैंड बदलने पड़े। अब जैसे सेंटर में अब जो दलित और पछड़ा आ गया था, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी की पुरानी पॉलिटिक्स है, पुरानी मतलब अभी तो नई ही है, मतलब उसने अभी बदली हुई है, जहाँ खुल के बोल नहीं रही, वो टोटली हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को कैसे रिफ्लेक्ट करेगा जो फैसला? पहली बात तो यह है कि देखिए आरक्षण न देना ये एक आइडियोलॉजी है और बीजेपी की पूरी बुनियाद इस पे खड़ी है और वो आरक्षण को खत्म करेगी। कैसे करेगी ये अब उसके सामने एक बड़ा चैलेंज है कि वो धीरे धीरे कैसे खत्म करेगी, लेकिन वो खत्म करेगी। बीजेपी का जो सोशल इंजीनियरिंग का जो पूरा फार्मूला है वो इसी बात के लिए है। सोशल इंजीनियरिंग, जब मंडल कमीशन आया तो सोशल इंजीनियरिंग का उन्होंने नारा दिया। वो क्या नारा दिया कि जो जो देश में वर्चस्व की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के लायक उस समूह में लोगों को तैयार किया जाए जो समूह उसके मातहत, यानी पिछले वर्गों में किया जाए, अनुसूचित जाति में किया जाए, अनुसूचित जनजाति में किया जाए। और ये तभी होगा जब वो एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को खड़ा करने की राजनीति को डेवलप करेगी। तो वो सरकार में जैसे ही जाएगी तो वो सरकार में इस तरह का वो फैसला करती है। अभी एक दो नहीं, आपने आप रोहिणी कमीशन भी अभी चल रहा है,
और उन्हीं कमीशन में भी बात ये आई है। दूसरा कि अभी जो मुख्य मुख्य न्यायाधीश थे बालाकृष्णन जी, उनकी अध्यक्षता में कमिटी काम कर रही है कि रिलीजन के आधार पे, जाति के आधार पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पे कैसे हम दलितों को और आदिवासियों को अलग करें, दो हिस्से करें। अब वो धर्म के आधार पर उस आरक्षण के लॉजिक को ले जाएंगे कि अगर आप हिंदू नहीं है तो आपको क्यों मिलेगा ये, आप मुसलमान हैं, आप ईसाई हैं, या आप जैसे मान लीजिए बौद्धों को कितनी लड़ाई के बाद मिला था। तो इस तरह से मैंने आपको शुरू में कहा कि सरकार की विचारधारा जाति को खत्म करने की नहीं है, जातिवाद कैसे बढ़े ये पूरी सरकार की आइडियोलॉजी का हिस्सा है। ये बात मैं बहुत ही तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ ये बात कह सकता हूं और कह रहा हूं। तो ये जब भी सरकार में जो इस तरह की विचारधारा के लोगों का वर्चस्व होगा या इस तरह की विचारधारा का वर्चस्व होगा, जितना वर्चस्व होगा उस हिसाब से वो फैसले करेंगे। अभी आपने सुना होगा यूपीएससी बिल्कुल ने जो लिटरल जो एंट्री की बात की, वो बिल्कुल क्या है मैं ये, आप ये सोचिए कि ये सब कुछ क्या है। आरक्षण में आप यूनिवर्सिटीज में, अभी हम प्रोफेसर की बात करते हैं या जो फैकल्टी है उसकी पोस्ट की बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि हमको अगर स्टडी करें कि पीएचडी में एडमिशन के लिए कितने बच्चों को छांटा गया और उन बच्चों में कौन लोग हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जो जनरल की जो लिस्ट बनती है उसमें एक भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का एक भी आदमी योग्य नहीं होता है। आपने कह दिया कि बस ये जो आरक्षण है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि आपकी क्या मनसा है, आप किस तरह से जाति को खत्म करने की बात करते, नहीं करते। आप जाति को खत्म नहीं करना चाहते, आप जाति को बनाए रखना चाहते हैं, ताकि जातिवाद जब बना रहेगा तो जाति जो वर्चस्व है उसकी स्थिति बनी रहे। मेरे सर दो सवाल हैं, लेकिन दोनों का संबंध आपस में जुड़ा हुआ है। 47 में हमने सत्ता हासिल कर ली, हम आजाद हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, चलो। लेकिन क्या कारण है कि मान लो कि मैं जनरल हूँ, मुझे दलित का मसला जो समझने के लिए वो मैं मेरे में ऐसी सोच क्यों नहीं पैदा की गई, हमारे जितने तमाम राजनीतिक समूह है, चेतना समूह है, कि वो उस समस्या को समझ सके। या फिर दलित समस्या ही देख लीजिए, हमारे पंजाब की एक छोटी सी उदाहरण है, जो दलित समाज है वो 39 कास्ट में बटा हुआ है, 39 कास्ट में भी वो एक दूसरे के विरोध में खड़ा हुआ है। और एक और छोटी सी उदाहरण, जैसे चमड़े का काम करने वाले रविदासिया है, रविदासिया के दो हिस्से जलंधर में आपको दिख जाएंगे, एक तो सियालकोट से आया है जिनका वहां का चमड़े का व्यापार था, उनका रंग गोरा है, एक यहाँ का ही था, लोकल था, उनका रंग काला था। काफी साल तक तो गोरे और काले उसी भाईचारे में रिश्ते नहीं होते रहे, वो पहली दफा जो रिश्ता हुआ 2002 में हुआ, मतलब एक ही जात है, सारा कुछ एक है, फिर भी आप में जो इतना जो विरोधता है, एक तरह का आप ये छूत मानते हो दूसरे को, ये क्या कारण है कि जो वो जाति समूह जो उनको कॉन्शियस करने लगे थे, वो जो चेतना फैलाने में विफल क्यों रहे हैं? देखिए एक बात समझिए, आप दो बात कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, एक है अछूत जी समझने की विचारधारा का आदमी। अब जाति एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है, किस बात को लेके खड़ी है, वो सरकारी पदों को लेके खड़ी है, जी वो सरकारी पदों में उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है, इसको लेके उसका विरोध सामने दिखता है। लेकिन ग्राउंड में जमीनी स्तर पर जो उनके बीच में एक एक समान बात है कि वो अछूतपने की शिकार है, यानी कि एक सामाजिक जो विचारधारा है उसकी वो शिकार है, वो समान है, एक एक तरह की है। तो आप इसको दो हिस्से में जब तक बांट के नहीं देखेंगे कि वो बटी हुई है, नहीं वो बटी हुई है क्योंकि उनको सरकारी पदों का लालच दिखाया जा रहा है कि भाई तुमको देखो सरकारी पद पर तुमको भी होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, लेकिन वो सामाजिक तौर पर अछूतपने की जो विचारधारा है उसको खत्म करने की बात वो नहीं करते, उसको खत्म करने की बात नहीं करते। इसीलिए आप देखिएगा कि इस तरह के आंदोलन में जो सामाजिक आंदोलन है वो बहुत एक द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं, बराबर एक द्वंद्व चलता रहता है।
एक तो कि सामाजिक स्तर पे जो विचारधारा है उसको खत्म करना है, और वो खत्म करने के साथ साथ सरकार की जो कोशिश है कि वो जो बंटवारा दिखे या बंटवारा हो उसको कैसे रोका जाए। तो ये बड़ा चैलेंजेज होता है, एक बड़ा चैलेंज सामाजिक आंदोलन के सामने। अच्छा, दिक्कत क्या है कि अब हमारे बीच में बाबा साहब एक आए, लेकिन बाबा साहब के बाद कोई ऐसा आइडियोलॉग, कोई ऐसा कोई उस विचारधारा को और विकसित करने वाला, उस विचारधारा की नई नई व्याख्याएं प्रस्तुत करने वाला, उसकी एक नई नई रणनीति तैयार करने वाला, अब लोग अभी नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि समाज में जब इस तरह के लोग निकल के आते हैं, जो थोड़े से चेतना संपन्न हो जाते हैं, तो वो उनका बहुत लंबे समय से उनकी जो एक आकांक्षा, एक उम्मीद जो दबी रहती है कि हमको सत्ता में पहुंचना है, सत्ता में अपनी भागीदारी निभानी है, अभी उस दिशा में ये चले गए, तो आइडियोलॉजी पे वो काम नहीं हो रहा है। और ये एक चरण है, ही है, इस चरण से अब हम निकल रहे हैं। ये जो अभी दौर आ रहा है, ये दौर दरअसल इसी चरण से निकलने का दौर है। अब के बाद देखिएगा आप थोड़े समय के बाद कि आइडियोलॉजी के लेवल पर बहुत सारे लोग, एक दो लोग नहीं, कई कई लोग इस तरह की सामाजिक आंदोलन के लिए निकल के सामने आए। अभी तो एक्सपोज हो रहे हैं लोग जो इसका यूज करते रहे। अभी आपने देखा होगा कई लोगों के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बोलते थे, और सरकार के साथ उनका तालमेल हो गया, उनकी गलबहिया वो करने लगे। तो ये एक्सपोज का दौर है। दूसरा कि एक पार्टिसिपेशन की जो एक भूख है उसका एक दौर है, ये अब खत्म होगा, ये नीचे आएगा। एक आइडियोलॉजिकल जो एक विचारधारात्मक जो जो तैयारी है, अब मुझे लगता है कि ग्राउंड पर ये हो रही है, और आगे आने वाले दिनों में ये हमको और आपको अब दिखेगी। अभी हाँ हमको आपको केवल बंटवारा दिखता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिहार की राजनीति में एक मेरे पास वो अखबार का विज्ञापन है कि जैसे निषाद जाति के लोगों ने एक विज्ञापन निकाला कि हम एक केवल निषाद नहीं है, हम किस तरह से इस जाति में जाति के नाम से पहचाने जाते हैं, और उसमें वो कई जातियों के नाम है कि हमको यूनाइट होने की जरूरत। तो इसका मतलब है कि सोसाइटी में प्रोसेस ये चल रहा है कि जो जो नीचे के लेवल पर, यानी नीचे के लेवल पर जो बंटवारा किया गया है, एक ही तरह के लोगों को, वो कैसे एक हो जाए, तो ये प्रोसेस भी चल रहा है। अब अपने पास 6 मिनट है सर, मैं छोटे छोटे दो सवाल लूंगा। एक तो ये कि अभी तक जो हमने बात की है, ऐसा लगा कि ये तमाम मसले को जिस ढंग से देखा जाना चाहिए वो नजरिया ही कहीं ना कहीं गायब लग रहा है। इस मसले को आपने हमारे मुआशरे में किस तरह एड्रेस होता दिखा है? आपको लगता है कि यार इसमें ये जो खप्पे हैं, ये बातों मुद्दों पे तो बात ही नहीं हो रही, इस एंगल से तो बात ही नहीं हो रही? नहीं, जैसे, हाँ, जैसे देखिए क्या होता है, अभी जो बात हो रही है, एक एक क्या होता है कि एक नजरिया फेंका जाता है समाज में कि आप इस नजरिए से सोचें। जैसे अब ये नजरिया फेंक दिया गया कि एक जाति को ज्यादा मिल गया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके उलट जो दूसरा एक नजरिया है कि कैसे जातियों को छांटा गया है, कैसे जातियों को दूर रखा गया है, और क्या वो पूरा शेयर मिला है, नहीं मिला है। बंटवारे की बात ये कर रहे हैं तो किस किस कितने शेयर में ये बंटवारे की बात कर रहे हैं। तो ये जो दूसरा जो नजरिया होता है वो हमारे बीच आता ही नहीं है। हम जो नजरिया हमारे बीच में फेंका जाता है, हम उसी को डिस्कस करने लगते हैं और उसी पे रिएक्ट करने लगते हैं। हमको चाहिए कि हम अपने नजरिए को सामने रखें, अपने नजरिए के लिए हम अपने डाटा तैयार करें, हम उस डाटा के आधार पर ये बात करें, हमें कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी। अभी भी ये हो ही नहीं रहा है। अभी एक कोई फैसला आता है, हम उस पर रिएक्ट करने लगते हैं केवल। तो हमारी कोई इस तरह की तैयारी नहीं होती, इसीलिए मैंने कहा कि ये चरण है, ये एक स्टेज है, इस स्टेज से अब हम निकलेंगे, और अब हमको बहुत गंभीरता से एक अल्टरनेटिव जो नजरिया हो सकता है, एक वैकल्पिक जो नजरिया हो सकता है, या फिर जो वर्चस्व का जो नजरिया है उसके खिलाफ जो मुक्ति का जो नजरिया है उसको पेश करने का की जो तैयारी है, अब उसका समय आ रहा है। और मुझे लगता है कि वो लोग ये जल्दी, हम जिस तरह से ये आंदोलन ऑर्गेनाइज हो रहे हैं,
जिस तरह से संगठित हो रहे हैं, जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उसमें अब ये इस तरह की बातें भी अब आएंगी कि ताकि हम एक नए तरह के नजरिए पे सोच सके। यदि सर आप आपको यकीन होगा, जी एक आपको नहीं, मैं लास्ट में एक बात आपकी कहना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी एक इसी तरह की एक व्याख्या की है, जितने भी नारे हैं, ये शिक्षित हो, संगठित, संघर्ष करो, संगठित हो, यानी कि जितने भी नारे, जिसकी जितने हिस्से, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मैंने इन तमाम ऐसी चीजों की नई व्याख्या करने की कोशिश की कि ये है क्या वास्तव में, ये इन वास्तव में इनके अर्थ क्या है। बैक टू सोसाइटी, बैक टू सोसाइटी का क्या मतलब होता है? बस बैक टू सोसाइटी में कुछ पैसे हमने कुछ जगह दे दिए, कुछ बौद्ध मठों को दे दिए, या कुछ बौद्ध की एक्टिविटीज को दे दिए, उसमें से बैक टू सोसाइटी हो गया, या किसी गुरुद्वारे के लिए दे दिया, किसी रविदास की उसमें दे दिया, बैक टू सोसाइटी हो गया। नहीं, बैक टू सोसाइटी को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब बैक टू सोसाइटी का मतलब ये हुआ कि आप कैसे एक स्ट्रक्चर खड़ा तैयार करने में आप मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और विजन के लेवल पर, आप विजन के लेवल पर क्या आप नई तरह की बात कर रहे हैं? बैक टू सोसाइटी का मतलब छोटा नहीं है कि कुछ पैसे हमने कुछ लोगों को पढ़ाने के लिए दे दिया, कुछ एक धर्मशाला बनवा दी, एक मंदिर में पैसा लगा दिया, नहीं, इसके लिए नहीं है। मान नहीं लीजिए कि जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मंदिर बने हुए हैं, क्यों नहीं आज हम उसको एक स्टडी रूम के रूप में उसका एक्सटेंशन कर सकते हैं। उन तमाम मंदिरों में हम एक पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था कर सकते हैं। आज सबसे ज्यादा क्राइसिस है पढ़ने पढ़ाने के लिए बैठने की जगह। हम सारे वाल्मीकि मंदिर, रविदास मंदिर, बौद्ध जो केंद्र है, सारे ऐसे केंद्रों को सबको खोल दें हम, कि पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था हम बच्चों के लिए यहाँ करेंगे, क्यों नहीं कर सकते? तो बैक टू सोसाइटी का मतलब एक विस्तृत होता है, बड़ा होता है। हमको उसकी व्याख्या बड़े लेवल पे करनी चाहिए, बहुत छोटे दायरे में नहीं करनी चाहिए। इसी तरह तमाम नारों की जो व्याख्या है वो हमको नए सिरे से करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये आपने काफ़ी अच्छी बात बताई कि कैसे इन नारों की व्याख्या भी समय समय के मुताबिक की जाने की ज़रूरत है। लास्ट सवाल सर, यदि आप 1 मिनट में दे सकते हो, मीडिया की टोटल पेशकारी को, क्योंकि मीडिया में भी इन लोगों का, हाशियाग्रस्त लोगों का प्रतिनिधित्व है ही नहीं, मतलब सो मीडिया में जो आज 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे, हला हला देख रहे होंगे, शोर शराबा देख रहे होंगे, मीडिया में पेशकारी के बारे में कोई टिप्पणी आखिर में करना चाहे तो, क्योंकि आप मीडिया के बारे में नहीं, लगातार देखिए देखिए, मीडिया कंपनियां जो अपना अखबार, टेलीविजन, ये सब जो चलाती हैं, वो कंपनी है, वो कंपनी है, वो समाज सुधार या समाज में परिवर्तन का कोई उनकी जिम्मेवारी नहीं है। एक बात हमें ये बहुत ही ध्यान से सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। हम बात करते हैं प्रतिनिधि की, लेकिन आप प्रतिनिधि को भी उसका प्रतिनिधित्व तो नहीं करने देंगे, यानी कि एक प्रतिनिधि को उसकी अपनी बात नहीं कहने देंगे, तो क्या मतलब हुआ? हमने मंडल कमीशन जब आया तो हमने मंडल कमीशन के बारे में लिखना शुरू किया, मंडल कमीशन क्यों जरूरी है? मेरा जो काम है मुझसे छीन लिया गया, मुझे अलग थलग बैठा दिया गया। तो हम मान लीजिए प्रतिनिधि हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकते हम उसका। जैसे आज संसद में इतने सांसद हैं, प्रतिनिधि है, लेकिन वो प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकते सोसाइटी का।